हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। एमडीयू की तरफ से जो दो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं आपकी बार से, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है, जो आपके 4 साल के जो प्रोग्राम है, ITEP के अंदर जो दो कोर्स आते हैं, BA BEd और BCom BEd, एमडीयू कैंपस की तरफ से दो कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। इन दोनों ही कोर्सेज की कोर्स वाइज कितनी सीट रहेंगी, कैटेगरी वाइज कितनी सीट रहेगी, इन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर ले, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम वाइज शीट मैट्रिक्स के सेक्शन में हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप डिटेल में चेक कर सकते हैं कौन से कोर्स की कितनी टोटल सीट रहेंगी और कैटेगरी वाइज कितनी सीट है। सबसे पहले BA BEd के जो स्टूडेंट है, आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी की जो सीट है, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की जो सीट है, वो आपकी टोटल 7 सीट रहेंगी। EWS की 1 सीट रहेगी। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, आपकी 19 सीट रहेंगी। SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, उनकी 4 सीट रहेगी। डिप्राइव्ड SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट, आपकी भी 4 सीट रहेंगी। BCA के जो स्टूडेंट, आपकी 7 सीट रहेगी। BCB के जो स्टूडेंट, आपकी 5 सीट रहेगी। DA, PWD, PH, ESM, DFF के जो स्टूडेंट, आपकी 2 सीट रहेंगी। EWS के जो स्टूडेंट, आपकी 1 सीट रहेगी। टोटल आपकी 50 सीट रहेंगी BA BEd के जो कोर्स में, BA BEd का जो आपका प्रोग्राम है, इसमें टोटल 50 सीट है। कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं, EWS यहाँ पर 2 बार लिखा है, EWS यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है। इसका मतलब है हरियाणा से बाहर के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने सेंटर का EWS बनवा रखा है, उनकी 1 सीट रहेगी। यहाँ पर EWS 2 स्टार लिखा हुआ है। EWS 2 स्टार का मतलब है जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हरियाणा का EWS का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। नीचे आप देख भी सकते हैं। इसके बाद BCom BEd के जो स्टूडेंट हैं, आपकी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की आपकी 7 सीट रहेंगी। EWS अगर आपके पास सेंटर का है तो आपकी 1 सीट रहेगी। हरियाणा से बाहर के जो स्टूडेंट हैं, उनको सेंटर वाले जो EWS की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट, आपकी 19 सीट रहेंगी। SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, 4 सीट। डिप्राइव्ड SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट, आपकी भी 4 सीट। BCA की 7 सीट, BCB की 5, DA, PWD, PH, ESM, DFF कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, 2 सीट। EWS हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं, उनकी 1 सीट रहेगी। टोटल सीट 50 सीट रहेंगी BCom BEd के कोर्स में। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही कोर्सेज में 50-50 सीट रहेंगी। कैटेगरी वाइज भी सेम सीट डिवाइड की गई है, टोटल कितनी सीट है देख सकते हैं। EWS का मैंने आपको बता दिया है और नीचे आप देख भी सकते हैं, EWS यहाँ पर स्टार EWS लिखा है। सीट अंडर ऑल इंडिया कैटेगरी विल बी हैज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका EWS का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। इसके बाद 2 स्टार EWS का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका हरियाणा गवर्नमेंट का जो है EWS का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। इसके अलावा दोनों ही कोर्सेज की सीट के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।